शिवपुरी जिले के ग्राम गणेश खेड़ा में जंगली जानवर गीदड़ का खौफ देखा जा रहा है। गीदड़ अब तक करीब एक दर्जन बच्चों पर हमला कर चुका है, जिससे ग्रामीणों में दहशत साफ देखी जा रही है। खनिया थाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम गणेश खेड़ा में गीदड़ द्वारा करीब एक दर्जन छोटे छोटे बच्चों पर जानलेवा हमला किया गया। ग्रामीणों एवं आसपास उपलब्ध अन्य लोगों की सूझबूझ से किसी भी बच्चे की जनहानि नहीं हुई, किंतु पागल गीदड़ द्वारा कई बच्चों को गंभीर तरीके से घायल कर दिया, जिन्हें लेकर परिजन सामुदायिक अस्पताल पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायल बच्चों को जिला अस्पताल शिवपुरी रेफर किया। क्या नाम है भाई आपका? पार्वती। क्या हुआ है, क्या घटना हुई है? जमोड़ी को लड़ाई गया ना खाले। कहाँ पे? खेत पे। आप कहाँ की रहने वाली है? गणेश खेड़े पे। और लोगों को काटा है? हाँ, गणेश खेड़े में काटे। कितने लोगों को काटा है? भोड़ाने के काटे। कितने लोगों को काटा है? ग्यारह हो गए। भोड़ान की ना गणेश खेड़े। क्या नाम है बेटा आपका? भगवत। भगवत, क्या हुआ बेटा? हम तो जा रहे थे चार जने, सुबह वो एक फेबानो सुबह ने बानो में अपने पांव पकड़ ले, सुबह मुंह से चंडो सुबह ने गुदी पकड़ ली, सुबह ने गज्जे खा ले थे। किसने, कौन सा जानवर था? लड़ गया। और कितने लोगों को काटा बेटा? दो को। दो को काटा। आपको कहाँ काटा जरा दिखाओ, हाथ दिखाओ। ठीक ठीक। नाम है? घनश्याम। क्या हुआ? लड़रिया ने काट गई इस बच्ची के लिए। कहाँ पर, कौन से गांव में? गणेश खेड़ा। गणेश खेड़ा में। कितने लोगों को काटा है? 10-11 केस हो चुके हैं। 10-11 हो गए। आज ही काटा है किसके पहले? आज ही, आज। आज ही, आज। तो आपने कहीं शिकायत नहीं की? नहीं, अभी तो नहीं करी, लेकिन जा रहे। कहाँ जा रहे? वन विभाग में जा रहे। वन विभाग में। अभी अभी कहाँ आए हो? अभी अस्पताल में आए। अस्पताल में आया हूँ। इलाज हो गया? नहीं, अभी रेफर कर दिया, शिवपुरी जा रहे। शिवपुरी रेफर कर दिया। फिलहाल वन विभाग की टीम द्वारा गीदड़ को पकड़ने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया, जिसके चलते ग्रामीणों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है।